हमारे इधर इंग्लिश मीडियम स्कूल था एक घर के करीब, उधर स्कूल जाता था पढ़ने में, एक के घर पे सिपारा पढ़ने जाता था। भाई जब आँखों की रोशनी खराब होना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता सब छूट गया, ना स्कूल जाना रहा ना सिपारा पढ़ना रहा। ज़्यादा शौक था नहीं पढ़ाई का, काम सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। किसी चीज़ के भी शौक लगाना ना तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे देता है। बस मेरे को काम का कहना चाहिए आप एक जुनून की ऐसे तरह शौक है, और मैं सबसे ज़्यादा टाइम दुकान पे देता हूँ। सुबह आता भी जल्दी हूँ बाज़त, और अल्लाह का शुक्र है पूरे पूरे साल कोई छुट्टियाँ नहीं करता दुकान ही कभी। जब 6-7 साल का था ना, जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते और कम हो गई, आहिस्ता से फिर कुछ अरसे में मुकम्मल तौर पे चली गई। तो फिर मेरे वालिद साहब ने नुमाइश पे एक स्कूल है नाबीनाओं का ना, आईडोरी स्कूल, उधर मुझे बिठाया था है ना। तो फिर उधर माँ से ज़्यादातर जो है वहाँ पर म्यूज़िक वगैरह बजाने का काम सिखाया जाता था, कीबोर्ड वगैरह ना। तो उस काम का मुझे शौक़ नहीं था, फिर यहाँ आके मुझे वालिद साहब ने अपने साथ काम पर यहाँ लगा लिया था। बस शुरू में तो ऐसा था, मुझे पता था नहीं जो सही बात है ना, बाकी जैसे हम अपने मगन थे जिंदगी में, बचपना था खेलते रहे। तो डॉक्टर ने बल्कि उल्टा ये बोला हमारी वालदा से, इसको एक आँख से तो पैदाइशी नज़र आता ही नहीं था, जो 6-7 साल की जिंदगी एक आँख से ही गुजार रहा था ये, तो हमको तो पता नहीं था। कहने का हाँ, कहने का ये अब तक जिंदगी एक आँख से गुजार रहा था। हाँ शुरू में तो परेशानी आई, मगर हिम्मत नहीं आ रही, हमारे वालिद साहब ने मुझे काम सिखाया। फिर तो मैं यहाँ पर वालिद साहब का आकर के मशीन को काम पे लग गया। वैसे ही हमारा जैसे ख़ानदानी काम है ना, तो ये वैसे ही थोड़ा बहुत तो दिमाग में आता ही है उधर ही दौर में। सबसे पहले छोटी मशीन होती है काले कलर की ना, सिलाई मशीन आम जो घरों पे चलती हैं, उस पर शुरू करा काम मैंने। फिर वो करता रहा करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ही बड़ी मशीन आ गई जो बना रहा हूँ मैं, झोंकी मशीन कहलाती है। और अक्सर ऐसा होता था कि हम यहाँ काम करते थे, काम में किसी का फंस जाते थे ना, तो हमने घर पे ले आते थे काम उठा करके, बाद दुकान बंद करके घर पे ले गया, घर में मैं लगा रहा करते करते सो जाता था। इतनी बार ऐसा हुआ हमारे वालिद साहब वगैरह मेरे ख्वाब में दिखे कि ऐसे नहीं ऐसे करोगा, तो और अल्लाह का शुक्र मेरी आँखों में काम करता था, तो अल्लाह का शुक्र है वो काम सही हो जाता था। जैसे अब के ना सामान वगैरह जो है हमारे वालिद साहब बोलते थे एक जगह रखो, जो सामान पुरुष हम खोलते थे ना, तो एक एक डब्बा बनाया हुआ था उसमें रखते थे कि ताकि इधर उधर ना हो, फिर बाद में परेशानी ना हो फिटिंग के दौरान। अगर कोई बंदा छेड़ दिया करता रहा सामान, तो फिर होती थी मुश्किल। बाकी तो खैर चोट वगैरह लगती है थोड़ी बहुत शुरू में काम सीखने में, कोई हाथों पे चोटें लगी, पुर्जों की ना चालें होती हैं, उससे क्या आइडिया होता है, जैसे कि सुई वाला गज मशीन में हिल रहा है, चाल होती है, नीचे का सिडिल लूज है, है ना, सुई वाली प्लेट का सुराख होता है वो बढ़ जाता है, हम पुरानी सुई से उससे आइडिया लगाते हैं उसका। वालिद साहब के टाइम पे तो ये होता था कि वालिद साहब खुद चेक करके देते थे घाक को मशीन। फिर इंतकाल के बाद चाचा हमारे पहले दिन से ही चाचा हमारे साथ आ गए थे यहाँ पर दुकान पर, वो अपनी दुकान से आधे दिन के बाद से यहाँ आ जाते थे, वो हमारी मदद, फिर हम उनको चेक करा के काम देते थे घाक पर। और घाक जो है ना, बस खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो घाक ऐसे हैं, बहुत से शौकीन घाक ऐसे आते हैं कहते हैं भाई इनसे ही काम बनवाना। बहुत पुरानी बात है, एक मरतबा एक बंदा था कहाँ से अंदरून सिंह से कहीं आया हुआ था, तो उनकी ना मशीन मैंने बना की थी उनके सामने, तो उन्होंने मेरे को पता नहीं 50 रुपये याद पड़ता है ऐसे कुछ काम, उन्होंने मुझे ऐसे ही एक तोहफे के तौर पर इनाम के तौर पर लेके गए थे, उनके सामने उसको मशीन बना के दी। हाँ अगर कोई ब्लाइंड हजरा वगैरह आता है कभी, जैसे कि बीच में मेरे एक दो शागिरद रहे हैं, एक तो हैं मेरे दोस्त आरिफ नाम है उनका, और एक बंगाली थे हमारे बांग्लादेश के रहने वाले थे, वो तो बांग्लादेश वापसी बांग्लादेश शिफ्ट हो गए। नाबीना आज़ाद को हमें खुद हाथ पकड़ के बताना पड़ता है कि यहाँ से याला पेंच खोलो, याला स्क्रू खोलो, इस तरीके से सिखाया। भाई जो सब कुछ सही हाथ पैर होने के बावजूद काम नहीं करते हैं ना भाई, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको सलाहें दी हैं, हाथ पैर सब कुछ सही हैं, आँखें सही हैं, तो काम करो। जाना बाद लोग बोलते हैं यार हमें काम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये बात तो सही है, महंगाई है सब कुछ है ना, मगर फिर भी बंदा हिम्मत से काम करे ना, तो अल्लाह पाक मेहनत किसी के ज़ाया नहीं जाने देता।